हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिनी थाली। तो ये देखिए, मेरे इसमें राइस एंड आलू का चोखा, जिसको हम लोग आलू का चोखा बोलते हैं या बहुत लोग इसको भरतू भी बोलते हैं। ये मैंने आलू बॉईल करके इसमें प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन ये सब देके इसमें जीरा का चोखा लगा लिया। तो ये हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है अरहर की दाल जो मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी भिजा के थोड़ी देर, और उसमें धनिया पत्ती और लहसुन हरी मिर्ची का छौंका लगा लिया था। और ये है करेले की भाजी, जो छोटे छोटे करेले को कट करके उसको प्याज के साथ सॉसे कर लिया था, उसमें हरी मिर्ची डाल दिया था। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये चावल के साथ में खाने में, और बहुत ही यम्मी भी लगती है, खारा भी नहीं लगेगा। आप करेला काट के आप थोड़ा देर उसको रख दोगे तो। और उसके साथ है ये है पालक भाजी। ये जो पालक होती है उसको अच्छे से धो लिया था मैंने, और उसमें सूखी मिर्ची और लहसुन का तड़का लगा लिया था, और उसको थोड़ी देर सीझने के लिए छोड़ दिया था। और जब ये सीझ जाए अच्छे से तो इसमें बस नमक और काली मिर्च डाल दीजिए, और कुछ नहीं डालना पड़ेगा। और ये है साथ में दही। तो ये है आज की मिनी थाली, जो प्लीज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसमें दही में आप नमक, लाल मिर्ची या थोड़ी सी चीनी दे सकते हो, हम लोग चीनी के साथ खाते हैं। तो ये है मिनी थाली, और जिसमें मैं फिर से बता दूँ, राइस, आलू चोखा और अरहर की दाल, ये है करेले की भाजी, ये है पालक भाजी और ये है दही। तो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। उसके साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।